इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अहमदाबाद में बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, जिसमें कि यह कितना बड़ा है, इसमें कितने लोगों की बैठने की क्षमता है, इसे बनाने में कितना खर्च आया है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम भी जान लीजिए, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आशीष क्रिएशंस। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अहमदाबाद के मोटेरा में सरदार पटेल स्टेडियम, जिसे बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नवीनीकृत और उद्घाटन किया गया था, नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है प्रधानमंत्री के बाद। इसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट क्षेत्र कहा जाता है। एक आधुनिक सुविधा जो 1.32 लाख दर्शकों को समायोजित कर सकती है। स्टेडियम शहर के बड़े योजनाबद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव होगा। राष्ट्रपति के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के बीच गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री किरेन रिजिजू की उपस्थिति में स्टेडियम का उद्घाटन किया। यह भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट के साथ बुधवार से एक दिन रात का खेल खोलता है। 4 मार्च से श्रृंखला के चौथे और अंतिम गेम की भी मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा, इस स्टेडियम की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वह उस समय गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। कोविंद ने उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में कहा, 63 एकड़ में फैले इस स्टेडियम को 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है और 1,32,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता के साथ इसने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के पीछा छोड़ दिया है, जो 90,000 को समायोजित कर सकता है। ऑस्ट्रेलियाई वास्तुकार फर्म पॉपुलस, जिसने मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम को दूसरों के बीच डिज़ाइन किया, नए स्टेडियम का वास्तुकार है। इसमें लाल और काली मिट्टी दोनों से बनी 11 पिचें हैं और दुनिया के एकमात्र स्टेडियम में मुख्य और अभ्यास के लिए एक ही मिट्टी की सतह है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको वीडियो को लाइक करने में 5 सेकंड भी नहीं लगेगी। मेरे को इस वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है।